हेलो फ्रेंड्स, सुशला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक अमेरिकन समाजशास्त्री के परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ, जॉर्ज कैस्पर हुमन्स। जी हाँ, जॉर्ज कैस्पर हुमन व्यवहारिक समाजशास्त्र के संस्थापक हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत सोशलॉजिकल एक्शन थ्योरी के आप प्रमुख योगदान करता है। सामाजिक व्यवहार उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के लिए आप जाने जाते हैं। अमेरिका के बोस्टन में आपका 11 अगस्त 1910 को जन्म हुआ था और बोस्टन के प्रतिष्ठित परिवार में, रॉबर्ट एबिगेल परिवार में आपका जन्म हुआ था। बहुत खुशकिस्मत थे कि आप जॉन क्विंसी एडम्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 6वें राष्ट्रपति थे, उसके आप पोते थे। 6वें राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स के आप पोते थे। जॉर्ज के पिता वकील थे। कानून की तरफ आपका शुरू में रुझान था, कानून पर कानून आपने किया नहीं। 1928 में आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अंग्रेजी साहित्य आपका विषय था और 1932 में आप यहाँ से स्नातक हुए। स्नातक होने के बाद में आपने अखबार के रूप में अपना एक कैरियर शुरू किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चला नहीं। 1941 में नैन्सी पॉर्शेल कूपर से आपका विवाह हुआ। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, आपने नौसेना में कुछ साल काम किया, लेकिन वहाँ भी आपको पसंद नहीं आया। नौसेना में काम करने के बाद में जॉर्ज पुनः हार्वर्ड आए और यहाँ पे समाजशास्त्र के प्राध्यापक बने। जॉर्ज कैस्पर हुमन्स जो हैं, वो अपने अंग्रेजी के शिक्षक जो उनको पढ़ाते थे कॉलेज में, बर्नार्ड डी वोटो का इनके ऊपर बहुत प्रभाव था। वोटो की कहानियों से आप बहुत प्रभावित थे, उसी के आधार पे आपने एक सिद्धांत निर्माण किया कि समाज में एक ऐसे वातावरण में हमें रुचि रखना चाहिए जो सामाजिक संबंधों के प्रति जागरूक हो। इसके आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। वो कहते हैं कि उनके समाजशास्त्र से जुड़ने का उनका मूल कारण जो है, वो कहते हैं, एक दौर था मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं बेरोजगार था। इस बेरोजगारी के दिन में, जब बेरोजगार था, कहीं कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो हुमन्स एक संगोष्ठी हो रही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन की, जो जैव रसायनिक थे और समाजशास्त्री थे, उनकी एक संगोष्ठी में उन्होंने भाग लिया। वहाँ इनको कुछ लोगों ने काम दिया कि आप समाज मानव विज्ञानी की रीडिंग का कार्य मिला, उस संगोष्ठी में रीडिंग का काम। उसी रीडिंग ने हुमन्स को ये धारणा विकसित की, उस रीडिंग ने, मानव विज्ञान की जो रीडिंग्स की थी, अध्ययन किया था उन्होंने वहाँ पे, उस संगोष्ठी में जो वार्तालाप हुए, जो विचार व्यवहार हुए, उससे वो इतने प्रभावित हुए, उनकी धारणा विकसित हुई। उन्होंने एक धारणा, एक कंसेप्ट इस्टेब्लिश किया कि संस्कृतियों में समानता की बजाय समान परिस्थितियों में काम करने वाली मानव प्रजातियों के सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से समान संस्थानों का निर्माण किया है। ये एक थ्योरी उनके उसमें डेवलप हुई। फिर यहाँ हार्वर्ड में आप हेंडरसन और पेरेटो, विल्फ्रेड पेरेटो समाजशास्त्री के संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए। इसी दौर में आपने ग्रामीण इंग्लैंड का मानव शास्त्री अध्ययन कार्य किया, जो बाद में किताब भी छपी थी इनकी। सोरोकिन, पेट्रिन सोरोकिन ही हुमन्स और मर्टन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग में लाए थे। लेकिन के साथ में कितना संयोग था कि पेट्रिन सोरोकिन लाए थे आपको हुमन्स और मर्टन को, हालांकि पार्सन्स के सिद्धांतों का आपने विरोध किया। 1939 से 1946 तक आप अध्यापन कार्य करते रहे, फिर चले गए। फिर 1946 से 1953 तक आपने अध्ययन अध्यापन का काम एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे। 1953 में आप प्रोफेसर बने मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज, कैंट विश्वविद्यालय में, अलग अलग जगह आपने अध्ययन का कार्य किया। 1980 आप सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड हुए। 1964 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, और अध्यक्ष होने के नाते आपने समाजशास्त्र में सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक व्यवहार पे काफ़ी काम किया। एक्शन थ्योरी सामाजिक विनिमय व्यवहारवाद, एक्शन बेवरलिज्म की का सिद्धांत रखा उन्होंने। जो एक्शन थ्योरी थी, वो कहते हैं वह परिपेक्ष, एक्शन थ्योरी के माध्यम उन्होंने बताया कि वह परिपेक्ष जो जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं को निजी संबंधों को अधीनस्थ पाने के लिए चाहता है। हम जब काम व्यवहार करते हैं आपस में, तो हम आपस में व्यवहार के माध्यम से सामान्य बातचीत करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पुरस्कार पाना चाहते हैं।
संतुष्टि चाहता है, निजी संतुष्टि को अधिकतम पाना चाहता है। वो कहते हैं वह परिपेक्ष जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं की निजी संतुष्टि को अधिकतम पाने का प्रयास करता है, ये है एक्सचेंज। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी संतुष्टि ये होगी, मैं आपके साथ एक प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरी बायोग्राफी को आप लोग, वुमेंस की बायोग्राफी जो मेरे वीडियो के माध्यम से आए, उसको आप अधिक से अधिक पसंद करें, ये अधिकतर संतुष्टि पाना चाहता है। इसके आधार पर वुमेन ने सामाजिक विनिमय व्यवहारवाद की बात की है, उसके सिद्धांत दिए, वो अलग थ्योरी है। 29 मई 1989 को मैसाचुसेट्स में दिल की बीमारी से आपका निधन हुआ। मृत्यु के समय आपकी पत्नी नैन्सी, 3 बच्चे और 4 पोते थे। आपने एक जगह लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बायोग्राफी में बता रहा हूँ उनकी, कि समाजशास्त्र अध्ययन और शिक्षण का पेशा है। समाजशास्त्र अध्ययन और शिक्षण का एक ऐसा पेशा है जो तब होता है जब कम से कम दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में। ये बोस्टन अमेरिका के अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज कोस्पर होमेंस, इनकी बहुत किताबें भी हैं और अमेरिकन सोशलॉजिस्ट में इनका एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, महत्वपूर्ण गिनती है। इनके विनिमय व्यवहारवाद, एक्सचेंज थ्योरी, ये काफ़ी कुछ किया, इसके बाद ही बहुत व्यवहारवाद पे काफ़ी सिद्धांत बने हैं, काफ़ी हुआ। ये इनका एक व्यवहारवाद का है, ये इनका सामान्य परिचय आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया।